नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा आठवीं, जिसमें अब हम पाठ नौ की शुरुआत करेंगे, जंतुओं में जनन। चलिए, आपने पाचन परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या आपको इनके विषय में कुछ याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधे में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप इस सब बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। चलिए अब आगे, आप पिछली कक्षाओं में पौधे में जनन के विषय में पढ़ चुके, इस अध्ययन में जानने के लिए किस प्रकार जनन करते हैं। चलिए, जनन की विधि। क्या आपने कभी विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 का भरने का प्रयास कीजिए, जैसे कि क्रम में संख्या एक एवं पाँच के उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए देखा होगा, क्या आप बता सकते हो कि चूजे और झिल्ली किस प्रकार से जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार से होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए हम इसे पता लगाने का प्रयास कीजिए। इन पौधों की ही तरह जंतुओं में भी दो विधियां होती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, कक्षा सात में आपने पौधे के जनन के विषय में पढ़ा था, इसमें स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा होती है, क्या इस भाग का नाम आप बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन अथवा अंग होते हैं। पौधे की तरह ही जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बने होते हैं, संलयित होकर युग्मज बनते हैं, युग्मन विकसित होकर नया जीवन बनाते। इसी प्रकार जनन जिसमें नर मादा युग्मक का संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य के जनन भागों को पता लगाए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। देखिए, नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषभ, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिरे में लिंग होता है। वृषण नर युग्म उत्पन्न करता है, शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो चित्र 9.2 को दिखाए गए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर एवं मध्य भाग होता है, पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते? वास्तव में यह शुक्राणु में कोशिका में सामान्य संगठक पाए गए हैं। आइए, मादा युग्म उत्पन्न कर जिसमें डीप कहते हैं, मानव स्त्रियों में प्रतीत मास अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डीप का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग में जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह ही अंडाणु भी एकल कोशिका है। देखिए, चलिए अब आगे, निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु एवं अंडाणु संलयन है, जबकि शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है। इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होकर शुक्राणु अंडाणु का एक संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि युग्मज एक नए विशिष्ट का प्रारंभ है? जिस तरह माँ का अंडाणु और के शुक्राणु का संयोजन होता है, अंत में नई संतति के कुछ लक्षण माता पिता के लक्षण से विषाणुगत होते हैं। अपने भाई बहन को देखिए या पहचानने का प्रयास कीजिए, उनमें कौन से लक्षण माता के और कौन से लक्षण पिता के प्राप्त होते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन कहलाता है, मनुष्य गाय कुत्ते मुर्गी इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है। अब देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतु निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है और इन जंतुओं में निषेचन जल में प्रारंभ होता है। आइए पता लगाने का किस प्रकार संपन्न होता है।
वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में मेंढक तथा डोर, पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं, और जब नर मादा के साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे भी कवच के ढके नहीं होते हैं, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों के एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। चलिए आगे। मादा जैसी एक अंडे देती है, उसे शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की तरह सहायता करता है, इधर उधर तैरता रहता है। शुक्राणु अंडाणु कोशिका के संपर्क में आती है, जिससे फलस्वरूप निश्चेचन होता है। इसी प्रकार में निश्चेचन, जिसमें नर मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वो बाह्य निश्चेचन कहलाता है। जैसे मछली देख लो, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी में भी होता है। चलिए अब आगे। यहाँ पे हमें चलिए भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण का परिवर्तन निश्चेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। युग्मज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोल में बदलता, तत्पश्चात कोशिका सामूहिकृत होने वाली विभिन्न उत्कर्तों और अंगों में परिवर्धित होती है। विकसित होती हुई भ्रूण कहलाती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित करती है। गर्भाशय भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीर के अंग की हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि जैसे भ्रूण व अवस्था में शारीरिक की पहचान कर गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा होकर नवजात शिशु को जन्म देती है। देखिए, मुर्गी में आंतरिक निश्चेचन, परंतु क्या मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी बच्चों को जन्म देते? आप जानते होंगे, मुर्गी के बच्चों को जन्म नहीं देती। चूजे कैसे जन्म लेते हैं, ये पता। निश्चेचन को फेरन बाद में युग्मज लगातार विभाजित होता है, अंड वहिनी के नीचे की ओर बढ़ता रहता है। नीचे की ओर बढ़ने के साथ साथ सुरक्षित हो जाता है। ऊपर की परत चढ़ती मुर्गी अंडे दिखाई देने वाले कठोर कवच में ऐसी सुरक्षा परत होती है। कठोर कवच में पूर्ण रूप से बनता के बाद मुर्गी निश्चेचन करती है। मुर्गी के अंडे चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी में उष्मायन के लिए अंडे पर बैठे देखा होगा। क्या आप यह जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास अवर्धिक में, चूजे के पूर्ण स्वरूप के विकास में होने के कवच में प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निश्चेचन वाले जंतुओं को भ्रूण का विकास करकर मादा व शरीर के बाहर में भ्रूण में अंडवर के अंदर विकसित होकर भ्रूण का विकास पूर्णतः, जिसे हम अंडे ज्योतपी अपने तालाब में अथवा झरने में मेंढक में डेडपोल तैरते हुए देखा होगा। देखिए आगे हैं। जरायुज एवं अंड प्रजन तंतु। हमने जाना कि जंतु विकसित शिशु जन्म लेकर, जबकि अंडे जंतु देते हैं। जो बाद में शिशु विकसित होता है, वह जो सीधे ही शिशु बाहर आता जन्म देता है, जिसे जरायुज जंतु कहते हैं, और वो अंडे देते हैं, जिसे अंड प्रजन जंतु कहलाता है। निम्नलिखित की सहायता से आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सके होंगे कि जरायुज एवं अंड प्रजन में विभेद भी कर सकते हैं। कुछ जंतुओं के अंडे का अवलोकन करना सरल, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते, इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म ही देती है। जरायुज जंतुओं के उदाहरण, जिसके आप क्या बता सकते हैं? जरायुज अंड प्रजन तंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं क्या? चलिए आगे। शिशु में वयस्क। आगे देखिए, नवजात जन्म में प्राणी अथवा अंडे में प्रस्फुटन में निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं होते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात में वयस्क बिल्कुल अलग दिखाई देता है। रेशम के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए, जैसे कि झिल्ली, व्यूपा, वयस्क, जिनके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके। मेंढक के प्रकार जंतु में अन्य उदाहरण। मेंढक के अंडे के प्रारंभ में वयस्क बनाने में विभिन्न चरणों का प्रेक्षण किया। हमने 3 अवस्थाओं तथा अथवा चरणों को देखा है, जैसे कि अंडा
लार्वा वयस्क क्या लार्वा वयस्क मेंढक में भिन्न दिखाई देता है? क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस दिन यह डेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएगा? उसी प्रकार कीट की झिल्ली व्यूपा वयस्क रेशम कीट बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते, फिर भी टेडपोल अथवा झिल्ली के बाद में क्या होता है? आगे, आपने एक सुंदर शलभ को कोकुन के बाहर निकलते हुए देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, छलांग लगाकर और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरित कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं देखा होगा। क्या आप सोचते हैं कि हमारी भी कायांतरण होती है? मनुष्य के जन्म के साथ नवजात शिशु में वयस्क समान शरीर के अंग मौजूद होते हैं। अब आगे हमें बताया अलैंगिक प्रजनन। जब अब तक हमने जनन प्रजनन का अध्ययन किया, पढ़ चुके जिनमें हम परिचित है, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मजीव जंतु जैसे कि अमीबा जनन किस प्रकार करते, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते? आइए हम पता करें। देखिए आगे, प्रत्येक हाइड्रा एक से अधिक उभार दिखाई देता है। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव में मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में मुकुल दिखाई देता है, हाइड्रा में एक ही एकल जनक निकलते, उद्वर से नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार से जिसमें कि केवल जनन नए जीव को जन्म देता है, जैसे अलैंगिक जनन कहते हैं, हाइड्रा एवं मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। इसीलिए इसी प्रकार जन्म में मुकुल अलैंगिक जनन में अन्य विधि अमीबा में आई है। हम उसे देखने का किस प्रकार से समझते हैं? आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके, आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय है। इसमें केंद्र में दो भाग विभाजित होते हैं। जनन की प्रारंभिक होती है, इससे अन्य कोशिका में दो भागों में बट जाती है, जिससे कि प्रत्येक भाग में केंद्र होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इसी प्रकार से अलैंगिक जनन जिसमें कि विभाजित होकर दो संतति द्वारा द्विखंड कहलाता है। मुकुल एवं द्विखंड के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों। देखिए यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है ना। अब इसके प्रश्नों के उत्तर आपको संपूर्ण करने हैं, पूरा लिखना है। ये पाठ यहाँ पे खत्म होता है।